अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर फिजिक्स, इसका टॉपिक नंबर 12.9 पढ़ेंगे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। 12.9 इसका नाम है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम है जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आगे हमारे पास दो सब टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उनको मैं टॉपिक नंबर कहूँगा 12.9.1, 12.9.2, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में जस्ट देखेंगे इस नई टर्म को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको इसके नाम में नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक का वर्ड हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं और ये हमें पता है ये चार्ज को इंडिकेट करता है। और पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल ये कह लो, जैसे आपके पास कोई स्टूडेंट है, उसको यार ये इस बंदे के पास बड़ा पोटेंशियल है, स्टूडेंट्स है ना सारे, तो आप कहते हो यार ये बच्चा ना काम बड़ा अच्छा करता है, इसको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। स्टूडेंट को इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है कि ये बोर्ड में पोजीशन सिक्योर कर लेगा, ये अपने टेस्ट क्लियर कर लेगा। पोटेंशियल मीन अबिलिटी, इनर्जी। इसके अंदर इनर्जी है। क्या इनर्जी है? वो डिपेंड कर रहा है एजुकेशन की इनर्जी है, या अगर कोई बच्चा आर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, एजुकेशन में वो इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, उसके अंदर वो बड़ा अच्छा। हम कहते हैं यार इसके अंदर पोटेंशियल है। किस चीज़ का? स्पोर्ट्स वाली इनर्जी से रिलेटेड। सेम हम इधर भी बात करेंगे कि ये जो पोटेंशियल है ये क्या है, ये चार्ज के अंदर पोटेंशियल होगा। अब चार्ज के अंदर किस चीज़ का पोटेंशियल, वो हम आज देखेंगे। सबसे पहले मैं इधर शुरू करूंगा, दो टर्म्स मैं इधर हमारे पास लिखूंगा। एक हमारे पास है जी टर्म पोटेंशियल इनर्जी, ठीक है, और दूसरी है जी वर्क। तो उस वर्क से पहले मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का ये मतलब नहीं होता कि किसी भी चीज़ में पोजीशन चेंज कर दे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जैसे कि अगर ये मेरे पास ये ज़मीन है, फर्श है, इसके ऊपर ये एक मेरे पास टेबल पड़ा, मैं इसे उठाकर इधर रख दूँ तो मैंने इसे पोजीशन चेंज की, क्या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? अब वो सर नहीं होगी। मैंने कहा क्यों? आपने कहा सर पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ तब स्टोर होती है अगर पोजीशन चेंज की जाए, जब कोई चीज़ फोर्स फील्ड के अंदर हो। फोर्स फील्ड में जब आप उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे कि उसने कहा सर अगर आप इसी टेबल को ज़मीन से उठाकर ऊपर लेके आते हैं तो मैंने इसकी पोजीशन चेंज की है, और कब चेंज किया है कि जब मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट चेंज किया। ग्रेविटी चाहती है नीचे लाऊं, ग्रेविटी की फोर्स है नीचे, मेरी ऊपर है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ही बड़ी, लेकिन जब मैं इसे छोड़ूंगा ही नीचे आकर गिरेगा तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम हुई। उसने कहा सर अब यह फोर्स फील्ड में अब यह होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ये थी। अब पोटेंशियल एनर्जी उसने कहा सर जो आपके पास ये मास स्प्रिंग सिस्टम होता है ये इस तरह करके, इसके अंदर उसने कहा सर ये आपने मास लगा दिया, अगर सर आप इसे खींच कर या इस स्प्रिंग को उठाकर ऊपर ले जाए तो आपने पोजीशन चेंज की मास की भी, तो इसमें नहीं होगी। मैंने कहा क्यों? उसने कहा सर ये इसकी फोर्स फील्ड नहीं बनी, लेकिन अगर आप इसको खींच कर इधर लाएंगे तो आप इसकी फोर्स फील्ड, स्प्रिंग उधर खींच रहे आप इधर फोर्स फील्ड के ऑपोजिट जा रहे हो, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी और वो होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। इधर ये मेरे पास है जी एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इसके ऊपर पड़ा हुआ है मस्त एक पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को मैं इसके इर्द गिर्द बिल्कुल ऐसे घुमाता हूँ, तो मैंने इसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया क्योंकि फोर्स फील्ड नहीं है, फोर्स फील्ड के अगेंस्ट। इसके अंदर फोर्स फील्ड कहाँ पे होगी? उसे पता है कि सर इसकी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती हैं, तो ये अगर फील्ड है तो इसके ऊपर फोर्स क्या हो गया? F=Q×E, यही बनेगी अगर ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। तो उसने कहा सर अगर आप इसी चार्ज भैया को उठाकर यूं लेके जाओ, यूं, तो उसने कहा सर अब आपको इसको ले जाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कहा ये तो चैप्टर 4 आ गया, उसके मुताबिक जो भी आप वर्क करते हो वो किसी चीज़ में चेंज इन एनर्जी की शक्ल में होता है, लेकिन चूंकि पोजीशन वाली कर रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में इसके अंदर वर्क हो जाए, वर्क किया जाएगा, तो इसके अंदर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। इसका मतलब है यहाँ पर इसकी एनर्जी कम थी, यहाँ पर इसकी एनर्जी बढ़ गई, तो ये जो एनर्जी स्टोर होगी इस एनर्जी का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमारा टॉपिक तो है ही नहीं, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जरा चेक करते हैं ये क्या होगा। अच्छा, अब इधर आ जाएं। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाता हूं, वो ये है कि अगर लेट्स सपोज ये आपकी अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर मैंने कोई चीज रखी हुई है, ठीक है,
कोई भी चीज़ है, जैसे ये कोई भी मैस है, जैसे ये फर्श है ना, इधर कोई मैस पड़ा हुआ है, तो अब इस मैस के ऊपर मुझे लगा कि ये अर्थ के ऊपर पड़ा है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? उसने कहा सर अगर ये अर्थ के ऊपर पड़ा है, ज़मीन के बिल्कुल ऊपर पड़ा है, तो इसकी एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है आपने बताई ज़ीरो होगी। मैंने कहा वो क्यों? उसने कहा सर जो पोटेंशियल एनर्जी है ना उसका फार्मूला है MgH। तो ये चूंकि ज़मीन के ऊपर पड़ा है तो इसने कितनी हाइट पे पड़ा? मैंने कहा यार ज़मीन पे पड़ा, हाइट तो है ही नहीं, अगर हाइट है नहीं तो H की वैल्यू ज़ीरो, पुट करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगी। लेकिन बाहर से एक बंदा आया मुझे कहता है सर ये आपके पास जो टेबल पड़ा है ना इसके पास एनर्जी है। मैंने कहा यार तू पागल है, इसके पास कहाँ से एनर्जी है, ये तो ज़मीन के ऊपर पड़ा है। उसने कहा नहीं सर ये ज़मीन पर नहीं पड़ा। मैंने कहा यार ये ज़मीन पर पड़ा है। उसने कहा सर आप मेरे साथ बाहर आए। जब मैं उसके साथ बाहर गया तो मुझे पता लगा मैं तो अपने घर के सेकंड फ्लोर पर बैठा हुआ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सेकंड फ्लोर पर ये लेक्चर कोड हो रहा है। मुझे क्या पता, मुझे तो वो फर्श लग रहा था, लेकिन वो जब बाहर गया तो उसने देखा कि वहाँ से इतना ऊपर, यानी कि इतना ऊपर तो वो घर है, वो फर्श है ज़मीन से, तो उसके मुताबिक तो हाइट है ज़मीन से, क्योंकि ग्राउंड से हमने देखनी है, अगर हाइट है तो फिर उसके अंदर एनर्जी भी है, ठीक है। अब एक बंदा जो थर्ड फ्लोर पे था उसने देखा, उसने कहा सर इसके अंदर तो नेगेटिव एनर्जी। मैंने कहा क्यों? उसने कहा सर मेरे मुताबिक तो हाइट इधर है, फ्लोर इधर है, ये नीचे पड़ा हुआ है। मैंने कहा यार ये बड़ी गड़बड़ हो रही है, तुम्हारा कोई बयान ही नहीं मिल रहा, तुमने मुझे कन्फ्यूज़ कर दिया। तो फिर हमने चैप्टर नंबर 4 में जाकर इसका एक हल निकाला था। उसने कहा था ये सर जो एनर्जी है ये होती है रेफरेंस बेस्ड, तो इसकी जगह हमने एक नई टर्म बनाई थी, उसका नाम था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, याद है? उसके लिए हमने एक रेफरेंस फिक्स किया था, ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया था, एक फिक्स रेफरेंस रखा था, और वो रेफरेंस कहां से था, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन लामहदूद। अब लामहदूद क्या है? उसने कहा सर अर्थ की फील्ड लामहदूद तक फैली हुई है, लेकिन उससे बाहर, जैसे कि अगर मैं इस जगह आता हूं तो ये व्हाइट बोर्ड को मैं हाथ नहीं लगा पा रहा, तो ये व्हाइट बोर्ड कहाँ पर पड़ा है? मेरे लिए इन्फिनिटी पे, इससे आगे जो भी चीज़ है वो इन्फिनिटी पे है। इसका मतलब है कि जहाँ पर अर्थ चीज़ को अट्रैक्ट कर लेगी वो तो उसकी रेंज के अंदर है, वो फिनिट रेंज है, लेकिन जहाँ पर अर्थ कहेगी यार मेरी बात होगी, मैं पहुँच ही नहीं सकती वहाँ पर, जो मर्जी कर लो, अर्थ के लिए क्या होगा, इन्फिनिटी। तो वो मेरे लिए भी इन्फिनिटी हो गया, रेफरेंस ज़ीरो, मेरे से ऊपर वाले फ्लोर के लिए भी, नीचे वाले फ्लोर के लिए, सबके लिए क्या हो गया भाई, ज़ीरो। तो वहाँ से जो एनर्जी कैलकुलेट की जाएगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। उसने कहा लेकिन एनर्जी तो सर नीचे से होती है, ऊपर से कैसे होगी? कंडीशन यहाँ पर हम लगाएंगे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक की। होगा क्या कि वो बॉडी जब ऊपर से नीचे आ रही होगी ना भाई साहब, तो जब ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हर लम्हे बढ़नी है, क्योंकि ग्रेविटी है तो हल में बढ़नी है। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसके अंदर एक्सेलेरेशन होगी, एक्सेलेरेशन होगी तो फोर्स सेम नहीं रहेगी, फोर्स सेम नहीं रहेगी, तो वो बड़ी स्पीड से नीचे की तरफ जब आ रही होगी तो उसके ऊपर जो वर्क है वो हो नहीं पाएगा। उसने कहा सर वर्क क्यों चाहिए? मैंने कहा जो अभी तो पढ़ा है कि वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क हो नहीं पाएगा। उसने कहा सर वर्क क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्क होता है जब फोर्स क्या हो, कॉन्स्टेंट फोर्स हो, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में फोर्स वेरिएबल थी तो हमने उसको छोटे छोटे पाथ में इसलिए डिवाइड किया था कि हर पाथ की फोर्स क्या हो जाए, कॉन्स्टेंट हो जाए। तो फिर मैंने कहा फोर्स कैसे कॉन्स्टेंट करेंगे? उसने कहा सर फोर्स ऐसे कॉन्स्टेंट करेंगे कि उसकी वेलोसिटी फिक्स रहे। तो उसने कहा सर अगर बड़ी स्पीड से नीचे आ रहे तो आप उसके नीचे हाथ रख लें, आपने हाथ ऐसे रखना है कि आपकी फोर्स और उसकी फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाए, बैलेंस हो जाए, और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आए, जैसे कि ड्रॉपलेट आता है चैप्टर नंबर 6 में हमने देखा था। तो अगर वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आएगा नीचे तो उसके नतीजे के अंदर हमारे पास वर्क हो, और वही वर्क किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के। अब इसी चीज को हम इधर कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, हम इसी चीज को मैं अब रिप्लेस कर दूंगा ग्रेविटेशनल से इलेक्ट्रिक में, चार्ज में। क्या कहूंगा मैं? कहूंगा कि अगर ये मेरे पास अर्थ है, सॉरी अर्थ की जगह मैं ले लेता हूं नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज काफ़ी बड़ा भारी भरकम चार्ज है, मैं पॉजिटिव भी ले सकता हूँ, लेकिन चूंकि फील्ड लाइंस अर्थ के अंदर की तरफ होती हैं तो सेम इसकी फील्ड लाइंस भी अंदर की तरफ होती हैं, तो इसके लिए मैंने कौन सा ले लिया, नेगेटिव चार्ज। ये मेरे पास एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर मैं चाहता हूँ एनर्जी स्टोर हो, तो उसने कहा सर अगर एनर्जी इसके अंदर स्टोर करवानी है तो आपको यू हैव टू डू सम वर्क ऑन इट, आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। मैंने कहा वर्क करने के लिए तो जिस डायरेक्शन में वर्क करूँगा उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी करनी पड़ेगी तभी वर्क होगा। उसने कहा सर वर्क का रोला नहीं है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वर्क करेंगे तो इसके अंदर क्या स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। वो नेगेटिव से डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे, उसके लिए भूल जाए,
मैंने कहा अच्छा, तो वर्क करने के लिए मुझे पता है कि मैं इसे पकड़ूंगा और पकड़ के कहाँ पर ले आऊँगा, ऊपर। तो मुझे बताएं ये ऊपर इधर खुद ब खुद आ जाएगा या इसे लाना पड़ेगा, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो टूवर्ड्स इसकी तरफ होंगी, चार्ज की तरफ, ठीक है। तो अब मैं इस पॉजिटिव चार्ज को जब मैं यहाँ से उठाकर ऊपर लाऊंगा तो क्या ये खुद ब खुद आ जाएगा या लाना पड़ेगा। उसने कहा सर आप जब इसे ऊपर की तरफ लाएंगे इस जगह तो आपको ये लाना पड़ेगा, ये खुद ब खुद नहीं आएगा। हाँ अब ये आ गया है, अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया क्योंकि आपने इसके ऊपर वर्क किया। हाँ अब आप छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगा, ये एनर्जी इसके अंदर पॉजिटिव है, यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, जैसे आप छोड़ेंगे ये नीचे आएगा। तो ये जो एनर्जी स्टोर हुई, इस एनर्जी का इधर मैं नाम रखना पसंद करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसका क्या नाम रखना पसंद करूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसको हमने पीछे माइकल फैराडे के मुताबिक क्यू नॉट कहा। क्यू नॉट का मतलब है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कोई मसला नहीं, वो उसने रखा था तो उसके लिए चलता है। स्मॉल की रीज़न मैंने बताई थी वो ये थी कि अगर हम इसे बड़ा रख देंगे तो ये इसको ना कहीं उठा के अपनी तरफ खींच ले, इसलिए स्मॉल सा बिल्कुल, कि किसी की फील्ड को भी तंग ना करे, बेचारे अपने ऊपर इसके जुल्म हो, किसी के साथ नहीं जुल्म करे, तो इसलिए इसको स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखा था। ये एनर्जी कहलाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है इसको मैं इधर यू से जाहिर करूँगा, ठीक है जी, यू से। अब इसके अंदर यहाँ पर जो मैंने वर्क किया है इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए, जो एनर्जी स्टोर हुई इसके अंदर पर यूनिट चार्ज, कितने चार्ज पर, वो इस जगह कहलाती है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मींस कि अब इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये यहाँ से यहाँ आते हुए कुछ ना कुछ क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, ये क्या कहलाएगा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसके साथ ही हम एक नई टर्म भी पढ़ेंगे, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस अभी मैं बाद में आपको बताता हूँ, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को देख लेते हैं। इसको एज्यूम करने के लिए हम एक सिंपल सा जुगाड़ लगाते हैं। हम क्या करते हैं कि हम दो पॉइंट्स लेते हैं, दो एक कैपेसिटर लेते हैं, उसके दरमियान में इस पॉजिटिव चार्ज को रख कर इसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। लें जी यह पॉजिटिव चार्ज है जी, ये नेगेटिव चार्ज, और ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, पता है, ये भी पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सर पता है जी। मैंने कहा बेहतरीन हो गया, अब ये पॉइंट बी है, ठीक है, कोई भी पॉइंट बी, हम कह देते हैं कि ए बी सी में बी बाद में आता है, तो बी हम कह देते हैं जी हायर पर है और ए लोअर पर है। चैप्टर नंबर 12 के लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन में भी है कि नेगेटिव लोअर पोटेंशियल होता है और ये हायर पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल एक बार खैर छोड़ दें, चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए इस प्लेट पर है, पॉइंट बी इस प्लेट पर है। आप लोगों को चेक करने के लिए मैं इधर पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ, मुझे बताएं, जल्दी से बताएं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, जल्दी से बताएं कि ये पॉजिटिव चार्ज जब इधर रखा देगा सेंटर में, खुद ब खुद किधर जाना पसंद करेगा, ए की तरफ या बी की तरफ, किसको मोहब्बत शो करवाएगा, नेगेटिव को या पॉजिटिव को। उसने कहा सर कूलम्स ने बता दिया था हमसे, आप ना पूछें, कूलम ने कहा था पॉजिटिव ने रिपेल कर देना है और नेगेटिव ने अट्रैक्ट कर लेना है। मैंने कहा क्या बात है, बड़े कूलम की रेफरेंस दी है। अब हो यार तू तो साइड पर जा। अच्छा ये नीचे की तरफ खुद ब खुद आ जाएगा। उसने कहा सर ये इसलिए आया क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, लेकिन अगर मैं इसको रखूं इस जगह पर, इस जगह पर, तो मैं इस जगह की जो एनर्जी है उसको नाम दे दूंगा यू ए, ठीक है। यू से जाहिर करना है तो इस जगह पर जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब ये वही है कि मैं अपने घर की फ्लोर के मुताबिक उस टेबल को देख रहा हूँ, तो ये लेट्स सपोज ये मेरा फ्लोर ए है और इसके ऊपर जो इसकी एनर्जी है वो है यू ए। इसको मैंने पकड़ा ऐसे, पकड़ कर ऐसे, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज था, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, इसको पकड़ा और इसको पकड़ के इधर ले गया पॉइंट बी पर, तो इस जगह इसके अंदर अब जो एनर्जी है वो है यू बी। ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये इतनी होगी कि जितना इसके ऊपर वर्क किया है, यानी कि यू बी माइनस यू ए विच इज इक्वल टू डेल यू, यही बनेगी सर, यही बनेगी। लेकिन उसने कहा सर ये वर्क है ना इसको करने के लिए कि इसके बराबर आ जाए, इसके लिए हमने एक नई टर्म इधर रखी है, वो रखी है इक्विलिब्रियम। और चूंकि हमने इसको रखना है इलेक्ट्रो, ओहो
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमने इसके ऊपर इतनी ही फोर्स लगानी है कि इसके ऊपर नेट फोर्स में चेंज ना आए, यानी कि नेट फोर्स जीरो हो जाए, एक्सेलेरेशन ना बने। अब उसके लिए एक्सेलेरेशन ना बने, हम इसे कैसी वेलोसिटी से लेके जाएंगे, वो वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसने कहा सर वो आप कैसे करेंगे कि आप इसे पकड़ के भी लेके जाएं और इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म रहे, फिक्स वेलोसिटी। उसके लिए मैं इसकी एक्सेलेरेशन को क्या रखूंगा, जीरो रखूंगा। अब एक्सेलेरेशन जीरो रखने की वेलोसिटी यूनिफॉर्म करनी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पकड़ने के लिए मैं इसको यूं लेके जाऊंगा कि इसके ऊपर जो नीचे जितनी फोर्स लग रही है या जिस स्पीड से नीचे आने की कोशिश करता है, मैं इसके ऊपर उतनी स्पीड रखूं ताकि इसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्क ना हो, सिर्फ उतना ही वर्क हो जितना चाहिए, यानी कि फोर्स कॉन्स्टेंट रहे। क्या होगा कि इसके ऊपर नीचे फोर्स कौन सी लग रही है, उसने कहा सर ये नेगेटिव से अट्रैक्ट कर रहा है और ये उसकी फील्ड में भी पड़ा है। तो मैंने कहा फिर इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही होगी, उसने कहा सर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी, वो होगी एफ इज इक्वल टू क्यू ई, कूलम से भी लिख सकते हैं लेकिन ये क्यू ई। मैंने कहा ये क्यू नॉट है जो आपका चार्ज है और ई इज दी, ये जो ई है ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, तो इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द चार्ज इज इक्वल टू द फोर्स। तो मैंने ऊपर कितनी फोर्स लगानी है, मैंने भी ऊपर इसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगानी है। तो अगर ये चार्ज भाई इस जगह पर है तो इसके ऊपर नीचे जो फोर्स लग रही होगी वो एफ इज इक्वल टू क्यू डेल क्यू सॉरी क्यू नॉट इन टू ई लग रही होगी, और इसके ऊपर कितनी फोर्स मैं ऊपर लगाऊंगा, उतनी फोर्स लगाऊंगा कि ये दूसरी फोर्स के क्या हो, एग्जैक्टली बराबर हो, ताकि फोर्स में कोई ज़्यादा घपला शपला ना हो, ताकि वर्क हो और वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाए। एक चीज़, दूसरी चीज़, अगर हम इतनी नहीं लगाएंगे तो ये कुछ यूं ही हो जाएगा कि मैं आपको कहूँ कि मेरे घर के नीचे फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे 10 किलो या ऐसे कह लो कि ईंटें पड़ी हैं, कुछ 10-20-30 ईंटें पड़ी हैं। मैं कहता हूँ उसे आप 10वीं मंजिल पे रखो। आपने कहा सर मैं 100 रुपया लूँगा रखने के, मैंने कहा ले लिया। अब हुआ कुछ यूँ कि आप गए, आप 8वीं मंजिल पर गए, 8वीं मंजिल पर जाने के बाद आपको कोई काम से ना 6ठी मंजिल पर आना पड़ गया, आप नीचे आ गए, आप वहाँ से फिर वापस 10वीं पर चले गए। जब मैंने आपको 100 रुपये दिया, आपने कहा सर मैंने काम ज़्यादा किया है। मैंने कहा भी क्या ज़्यादा किया है, उसने कहा सर मैं 8वीं पर गया था, 6ठी पर आया था, कोई काम था मुझे याद नहीं, लेकिन मैं फिर 6ठी से दोबारा 8। मैंने कहा मैंने तेरे से बात की थी यहाँ से वहाँ जाने की, जो एक्स्ट्रा ये तेरी गलती है, तेरे खाते में जाएगा, मैंने इसका 1 रुपया नहीं देना, और मुझे कैलकुलेशन भी तूने अलग से करने के लिए डाल दिया। उसने कहा अच्छा अच्छा सर इसको इसलिए रख रहे हैं कि हमारा एक्स्ट्रा वर्क ना हो, क्योंकि वो हमें ज़ाया हो जाना, हमें मिलना नहीं है, हमें वही मिलना है जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। इसलिए हम इसको कैसी कंडीशन में लेके जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। ये तो हो गया आपके पास एनर्जी का रोल, लेकिन अब इसका किसी भी पॉइंट बी पर या ए पर जो पोटेंशियल है वो क्या होता है वो देखते हैं ज़रा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको समझते हैं। इधर बोर तो नहीं हो रहे, बोर हो रहे हो तो उसके लिए भी एक जुगाड़ है। YouTube के इस जगह पर सेटिंग का बटन होगा, उस बटन को दबाएं, उसके ऊपर स्पीड का बटन होगा उसको भी दबाएं, उसके ऊपर स्पीड के डिफरेंट फंक्शंस आ रहे होंगे, 1.25, 1.5, 2, 1.75 और 2। जोन सी स्पीड पे लेक्चर सुनना है सुने, वक्त भी बचेगा, लेक्चर भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, बात क्या हो रही थी, बात ये हो रही थी ये क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस जगह पर जितनी एनर्जी है पर यूनिट इसका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, लेकिन वो हम अभी नहीं देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे इधर पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होगा, ये होगा किसके बराबर, ये होगा डेल वी, इसको मैं किससे जाहिर करूंगा, डेल वी से, और जस्ट पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं जाहिर करूंगा V से। डिफरेंस है तो हमें पता है डेल्टा का हम टर्म यूज करते हैं, तो डेल्टा V किसके बराबर होगा, डेल्टा V होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यूनिट चार्ज कौन सा है, हमें पता है क्यू नोट है, क्यू नोट पे काम कर रहे हैं ना, अब एक साथ क्यू बैठा हुआ उसको तो मैं लेके नहीं गया, इधर एक और चार्ज भी है रख देता हूँ जी क्यू, ये क्यू है, इसको मैं लेके नहीं गया, तो इसके अंदर तो एनर्जी स्टोर नहीं होगी, ना बड़ी होगी ना कम ही होगी, तो जिस पे काम किया मैं उसकी बात करूंगा ना, तो जिस पे काम किया, किस पे काम किया जा रहा है, इस पे, और इसका नाम क्या है, क्यू नॉट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वो चार्ज क्या है, क्यू नॉट। तो इसको हम डिफाइन क्या करेंगे, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं, इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज कीपिंग द चार्ज, चार्ज को कब रखना है, किसमें, इक्विलिब्रियम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में,
इज इक्वल टू क्या होता है ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब डेल ये किसके बराबर था, सॉरी ये डब्ल्यू किसके बराबर था, ये डेल यू के बराबर था, तो क्यू नॉट। ठीक है जी, इसी इक्वेशन को आप ये भी कह सकते हो कि डेल यू चेंज इन एनर्जी किसके बराबर होगी, क्यू नॉट इन टू डेल वी। ठीक है, तो ये भी लिखा जा सकता है, इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि जो वर्क होगा इन दो पॉइंट्स पे वो क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल का डिफरेंस। इस इक्वेशन को इसके साथ भी आप जोड़ सकते हो और इसको इसके साथ भी जोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन उसने कहा सर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी, टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, तो आप ये पोटेंशियल और ये कहानियाँ कहाँ से ले आए हो, हमें नहीं समझ आ रही, हमें ये बताएं। अच्छा अच्छा, मैंने कहा आप वो एग्जांपल की बात कर रहे हो कि मेरा घर ऊपर भी है नीचे भी है, जीरो पॉइंट नहीं मुझे मिल रहा। इधर उसने कहा कि वो ये भी तो हो सकता है कि वो चार पॉइंट ए इधर हो ही ना, पॉइंट ए इधर हो, तो वो इधर से इधर का ले रहा है, लेकिन मुझे तो चाहिए एग्जैक्टली जीरो से, या मुझे चाहिए इस पॉइंट, इधर मैं पॉइंट बना देता हूँ, पॉइंट सी पर चाहिए कि कितना होगा। अब उसके लिए हमें रेफरेंस चाहिए, क्योंकि ये हमेशा डिफरेंस में मेजर होता है, या आपके बुक के लास्ट पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेंगे लेकिन वो डिफरेंस ही होगा, बट कैसा डिफरेंस होगा, वो जीरो लेवल से डिफरेंस होगा, और जीरो लेवल का डिफरेंस क्या होता है, इन्फिनिटी से डिफरेंस। ठीक है, तो ये बड़ा समझने वाली बात है कि ये पॉइंट सी पर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो लेवल डिफरेंस होगा। इसके लिए जीरो लेवल कहाँ पर होगा, आपको पता है कि एग्जैक्टली जब ये प्लेट ए वाले पोर्शन के ऊपर पड़ा होगा तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। अब हमें नहीं पता कि ये ए किधर है, क्योंकि पॉइंट सी के लिए हमें जीरो रेफरेंस सेट करना है, तो वो जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उससे पहले बुक ने इसके यूनिट लिखे हैं तो मैं इसके यूनिट लिख देता हूँ। वर्क क्या यूनिट बनते हैं जी, जाउल, और चार्ज कोलम। ठीक है, तो जाउल पर कोलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसे वी से जाहिर किया जाता है। वी, वी का मतलब क्या बना, वोल्ट। ठीक है, इसे वी से जाहिर करेंगे। वन वोल्ट कब बनेगा, जब वन जे ओवर वन सी हो, मीन्स क्या मतलब, वन जे पर सी। क्या मतलब बनेगा कि अगर एक कूलम चार्ज पर एक जाउल काम हो जाए तो उस वक्त जो पोटेंशियल होगा वो वन वोल्ट होगा। मींस के लेट्स सपोज हम क्या लेते हैं कि पॉइंट ए से सी जाने तक एक कूलम चार्ज था हमारे पास, उसे जब ए से सी तक मैं लेके जा रहा था तो पॉइंट सी पर पहुंचते पहुंचते उसके ऊपर एक जाउल काम हो गया, तो इसका मतलब है कि यहां पर एक वोल्ट बन रहा है इन दो पॉइंट्स के दरमियान में। और अगर बी तक जाते हुए दो जाउल लग गया तो फिर टू ओवर वन सी आ जाएगा, तो कितने जाउल काम हो जाएगा, टू जाउल। या इसको दूसरे अंदाज में भी कह सकते हैं कि चार्ज था 0.5, 0.5 चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए एक जाउल काम हुआ, तो 0.5 को जब हम पलटेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, टू, तो टू जे पर सी बन जाएगा विच इज इक्वल टू टू वोल्ट। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ। आपने वो 1.5 वोल्ट वाला सेल देखा होगा, इसका यह मतलब बनता है कि एक कूलम चार्ज जब इस हायर पोटेंशियल से, इस पोटेंशियल से ए से बी तक जा रहा होता है तो कितना जाउल काम कर देता है, 1.5 जाउल, एक कूलम चार्ज जब दो पोटेंशियल के दरमियान में जा रहा होता है, या इसके अंदर इतनी एनर्जी इस जगह पर स्टोर होती है। अब ये वही एग्जांपल आ गई कि इस बच्चे के अंदर इतनी एबिलिटी है, मीन्स के इस चार्ज के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो इतने जाउल काम कर सकता है, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक आने के लिए, वो कहलाता है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कुछ ऐसा ही है, वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये आ रही थी कन्फ्यूजन, ये अभी जो पॉइंट सी वाला बताया, तो इसके लिए क्या जुगाड़ किया, इसके लिए हमने ढूंढा एक नई चीज़। अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उड़ाकर इधर जस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर देता हूँ। अब इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है उसको कहाँ पर कंसिडर कर लेना है, ये पॉइंट सी जो आपके पास जो पॉइंट ए है ये हम कहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, ऐसे लेवल पर जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो, या हम ये कह लेते हैं कि जहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना हो, ज़ीरो हो। तो क्या अभी जो इक्वेशन लिखी गई है उसको मैं कुछ यूं लिख सकता हूँ, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट, ये लिखा जा सकता है, क्योंकि डिफरेंस है पोटेंशियल एट पॉइंट बी, वी बी वी ए। और सपोज पॉइंट ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे तो मेरी कोई ताकत ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, तो वहाँ पर एनर्जी ना स्टोर होगी ना ज़ाया होगी, तो इट मीन्स कि वहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, अल्टीमेटली वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। तो फिर वी बी किसके बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू बी, और ए क्या, ए कहाँ पर है, कहाँ से ला रहे हैं,
ए मीन इन्फिनिटी एंड ओवर क्यू नॉट। तो अगर हम सबस्क्रिप्ट को उड़ा दें तो यही टर्म किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वी इज इक्वल टू वी डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। मीन्स कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, अब ये एट अ पॉइंट आ गया, कौन सा पॉइंट, वो पॉइंट सी हो सकता है, इसके दरम्यान में डी हो सकता है, ई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पॉइंट डी हो सकता है, किसी भी पॉइंट डी पर सी पर, इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइन बनेगी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर यूनिट चार्ज फ्रॉम कहाँ से, ए से, और ए हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया है, इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट, टू डैट पॉइंट मीन पॉइंट सी, इन कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव या यूनिट चार्ज फ्रॉम ए, ए मीन इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट इन कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि जो वर्क होगा पर यूनिट चार्ज उस पॉइंट सी तक, बी तक, डी तक आने के लिए, कहाँ से, इन्फिनिटी तक, वो उस पॉइंट पर क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था कि ये एक वैक्टर क्वान्टिटी है या स्केलर है, तो आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने इसका दीदार हो रहा है, वर्क पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में, स्केलर है, चार्ज स्केलर, स्केलर स्केलर स्केलर, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए आपके जो सेल होते हैं या मोबाइल की बैटरी या यूपीएस की बैटरी 12 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, उसके ऊपर सिर्फ लिखा होता है, डायरेक्शन मेंशन नहीं की होती, क्योंकि ये एक ऐसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। लास्ट में एक चीज़ सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पर आपका टॉपिक एंड हो जाता है, लास्ट में एक चीज़ जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारे पास पोटेंशियल सिर्फ तब होगा जब आप फील्ड के अगेंस्ट हैं, तभी होगी एनर्जी, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में नहीं होती। तो अगर कोई बंदा मुझे ये कहना पसंद कर ले कि सर अगर फील्ड की डायरेक्शन में हो तो तब क्या होगा, यार तब भी फील्ड के डायरेक्शन में नहीं होगी, फील्ड के ऑपोजिट रहना पड़ेगा, कैसे, वो मैं आपको इधर जस्ट एक सिंपल सी एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, इस चार्ज से ऑपोजिट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये मेरे पास एक छोटा सा, लेट्स सपोज, अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह मैं ले लेता हूँ नेगेटिव चार्ज, तो अब मुझे बताएं ये चार्ज की तरफ जब आ रहा होगा तो ये फील्ड के ऑपोजिट आ रहा है या फील्ड की डायरेक्शन में आ रहा है, आपको कहा सर ऑब्वियसली नज़र भी आ रहा है ऑपोजिट, लेकिन जब ये ऑपोजिट आती है ये खुद बा खुद आ रहा है या लाना पड़ेगा, उसने कहा सर ये खुद बा खुद आ जाएगा, तो मैंने कहा अभी तो आप सारी कहानी इस पर डाल के बैठे हो कि ये अगर खुद बा खुद आ जाएगा तो फिर तो इसके ऊपर वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, और फील्ड के ऑपोजिट तो हमें वर्क करना पड़ता है, तो फिर इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी। मैंने कहा सर ये तो कन्फ्यूजन होगी रे, ये तो मस्त कन्फ्यूजन है, इसका क्या हल निकाला जाए, उसने कहा सर होगी, ये असल में अर्थ वाला बिहेवियर शो कर रहा है। मैंने कहा वो कैसे, उसने कहा सर ये भाई साहब जब इधर से आएंगे ना तो सर ये बहुत तेज़ी से आएंगे। मैंने कहा क्यों, कहता सर जब ये फील्ड के अंदर होगा तो फील्ड के ऊपर, इसके ऊपर जो फोर्स है वो आपने पढ़ा होगा के इज इक्वल टू क्यू क्यू वन ओवर आर स्क्वायर, तो अभी आर जो है ना वो ज़्यादा है तो इसकी फोर्स कम होगी, लेकिन जैसे जैसे आर एफ होता है एम में, तो एम तो चेंज होना है, तो इसका मतलब एक्सेलेशन चेंज होनी है, और एक्सेलेशन चेंज होनी है तो देन देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर जब ये नीचे आने की कोशिश कर रहा होगा तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसके ऊपर फोर्स बढ़नी शुरू हो जाएगी, फोर्स बढ़ेगी तो मास चेंज होना नहीं, एक्सेलेरेशन बढ़ेगी, एक्सेलेरेशन बढ़ेगी मीन वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आएगा, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सिर्फ तब होता है जब चीज़ को किस में रखा जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, तो इसके लिए इसी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमने अगर लेट्स सपोज इस जगह पर फाइंड करना है तो इसको यहाँ से तो यहाँ नहीं लेके जाएंगे, फिर कैसे करेंगे कि जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो हम इसके नीचे हाथ रख लेंगे, ऐसे सपोज कर लें कि हमने इसको ऐसे लाना है कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो, तो वहाँ से यहाँ तक आने में जितना भी वर्क होगा वो होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कहाँ तक, इन्फिनिटी से कहाँ तक, इस पॉइंट सी तक आने के लिए जितना भी हमने वर्क इसके अगेंस्ट किया होगा वही इसके अंदर एनर्जी की शक्ल बना लेगा, और वो कहलाएगा इसके अंदर एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और वो क्या कहलाएगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये अगले से अगले टॉपिक, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसकी जब वो टॉपिक हम पढ़ेंगे तो ये जो कुछ कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में रहती हैं ये भी फौरी क्लियर हो जाएंगी। अगर इस टॉपिक के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।